तमिलनाडु की कोयम्बटूर लोकसभा सीट परंपरागत वामपंथी गढ़ रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के साथ एक विशेष लेकिन जटिल रिश्ता है। बता दें कि डीएमके, जिसने आखिरी बार 1996 में कोयम्बटूर सीट जीती थी, उसने पूर्व अन्नाद्रमुक नेता और कोयम्बटूर के मेयर गणपति राजकुमार को इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो वहीं बीजेपी ने अपने तमिलनाडु यूनिट के अध्यक्ष के अन्नामलाई को आगामी लोकसभा चुनाव में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से मैदान में उतारने का फैसला किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाजपा ने अन्नामलाई को इस सीट से क्यों उतारा, तो जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा तमिलनाडु में अब तक चुनावी लाभ ज्यादा हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि यहां की राजनीति द्रविड़ और तमिल राष्ट्रवाद से ज्यादा संबंधित है। इसलिए भाजपा को अन्नामलाई से उम्मीद है कि आत्मविश्वासी के अन्नामलाई युवाओं को आकर्षित करेंगे। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रभाव की वो नई उम्मीद दे सकते हैं। बता दें कि अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के आईपीएस थे, जिन्होंने 2019 में भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था और 2020 में भाजपा में शामिल हो गए थे, जिन्हें एक साल बाद तमिलनाडु भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तब उनकी उम्र सिर्फ 37 साल की थी। वे किसी राज्य की सबसे कम उम्र के बीजेपी अध्यक्ष थे। बता दें कि अन्नामलाई का जन्म 1984 में तमिलनाडु के करूर जिले में थोटामपट्टी गांव में हुआ था। उन्होंने कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, जिसके बाद आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जून 2019 में जब अन्नामलाई ने आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी, तो वह बेंगलुरु साउथ के डिप्टी पुलिस कमिश्नर थे, जिन्हें तमिलनाडु का सिंघम भी कहा जाता है। अन्नामलाई वेल्लाला गोंडर जात से आते हैं। दरअसल तमिलनाडु के चुनाव में यह जाति काफी राजनीतिक महत्व रखती है, इसलिए भाजपा अन्नामलाई के जरिए इस वोट बैंक पर फोकस करना चाहती है। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।